नमस्कार किसान साथियों, आपका आपके अपने चैनल सादत केसरी में स्वागत है और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और नित्य मैं नई नई सूचनाएं लाता हूँ और आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। परस्पर वीडियो को लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में शेयर करते रहिए और ये भी बताइएगा कैसे हैं आप, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है उसमें कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मेरे अपने किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज है शनिवार 31 जुलाई 2021, दिन शनिवार, और आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो आज तक कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता होगा। सब आपको कहाँ कहाँ घुमाते रहते हैं लेकिन सोनू चौधरी आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट देता है। आपको विश्वास के साथ देखिए, यहाँ हम ट्रस्ट के साथ वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, मेहनत इतनी करते हैं कि आपको भी दिखाने के लिए कि ये ऐसा हो रहा है, और हम बता पूरी तरीके से विश्लेषण करके बताते हैं लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती है या हमारी समझाने का तरीका अलग है। तो भाई देखिए, चौधरी समाज में ऐसा होता है कि आप मीठी बातें तो हम पे आता नहीं है, कोई क्योंकि हम वाषणे तो है नहीं या बनिया तो है नहीं जो लच्छेदार बातें घुमाएं, या दुकानदार है नहीं। हम 100% खरी कहने वाले हैं, अच्छी लगे तो स्वीकार है, बुरी लगे तो भी स्वीकार है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को सूचना प्रोवाइड करवाना और नित्य कोई ना कोई सूचना प्रोवाइड कराना। तो बिगर स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किसान भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कोल्ड स्टोरेज में आलू की निकासी। तो अब बात कर लेते हैं, पहले चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन से कोल्ड स्टोरेज में क्या क्या ज़िले में निकासी चल रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं, पहले मैं हाथरस का ही रहने वाला हूँ तो हाथरस के कोल्ड स्टोरेज की बात कर लेता हूँ। हाथरस में पहले तो आप कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट ज़्यादा करते हो, मुझे मालूम है इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कमेंट आएंगे और आप लोग भड़ास निकालेंगे, क्योंकि व्यापारी लोग हैं ना तो भड़ास तो निकालेंगे। कुछ कोल्ड स्टोर के मुनीम और मैनेजर भी निकालने लग जाएंगे, लेकिन सत्यता को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं किसानों के हित में बात कर रहा हूँ, किसानों के साथ हूँ, किसानों को ही पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहा। आप लोग हॉर्टिकल्चर विभाग को भी घुमा देते हो तो किसानों को घुमाना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं ऑल इंडिया की। ऑल इंडिया में 73% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे। कितने भरे गए थे किसान भाइयों? 73%। और अब निकासी की बात कर लेते हैं, तो निकासी में अप्रैल में जो निकासी हुई थी वो 6% हुई थी। मई के महीने में किसान भाइयों 12% आलू की निकासी हो चुकी थी कोल्ड स्टोर से। जून आते आते 27% की निकासी हो चुकी थी। फिलहाल जुलाई का आज अंतिम दिन है 31 जुलाई 2021, दिन शनिवार, आज अंतिम दिन है जुलाई का। आज जो है 35% की निकासी हो चुकी है किसान भाइयों, 73 में से अब आप 35% घटा दीजिए। अब आप देख लीजिए कुल मिला के कितना परसेंटेज आपके हिसाब से निकला होगा, आप कमेंट में लिख के बता देना। और अब मैं शुरुआत कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में जो कोल्ड स्टोरेज में भरे गए हैं, पहले आप एक चार्ट बना लीजिएगा कितने परसेंटेज कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं, कितनी अब तक निकासी हो गई है, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं किसान भाइयों। तो शुरुआत कर लेते हैं कन्नौज से, कन्नौज से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज जो हैं 80% कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में भरे गए थे, लेकिन जुलाई के 31 जुलाई आज तक 40% कोल्ड में से आलू की निकासी हो चुकी है। अब कोई झूठ नहीं बोलेगा और जो भी इसे दिख रहा हो वो चैनल छोड़ के जा सकता है। अब रियलिटी पे आ जाइए, क्योंकि हर मंडी में 1600 टन, 1800 टन, 2200 टन, 160 टन, 115 टन, ये आलू कहाँ से जा रहा है? चीन से थोड़ी नहीं आ रहा, पाकिस्तान नहीं आ रहा, आलू यहीं से जा रहा है। ये किसानों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरठ में 60% कोल्ड भरे गए थे, 30% की आलू की निकासी हो गई है। कुल मिला के मेरठ में 50% आलू जो है बाहर जा चुका है। संभल में 74% कोल्ड भरे गए थे किसान भाइयों, 45% कोल्ड की निकासी हो चुकी है। तो कोल्ड में से आलू की निकासी जो है 45% हो चुकी है, 74% थी, तो आप लगा लीजिए अब कितना आलू बचा होगा। सहारनपुर की बात कर लेते हैं, ओवरऑल 71% कोल्ड भरे गए थे सहारनपुर मंडल में, ज़िले में, और 34% की आलू की निकासी हो चुकी है यहाँ से। 71 में तो 34 घटा दीजिएगा, अब आपका आलू इतना बचा है। बरेली में 70% ही कोल्ड भरे गए थे, 32% की निकासी हो चुकी है। आप खुद देख लीजिए
अब बिल्कुल एनालिसिस फुल फाइनल करके मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा। सब एक दूसरे के आलोचना में तो सब मशगूल हो जाते हैं, ना तो आपको कोल्ड स्टोर मालिक बताएगा, ना मैनेजर बताएगा, ना व्यापारी बताएंगे, क्योंकि इन सब का एक सिंडिकेट होता है। जिस ज़िले में सिंडिकेट नहीं होता उस ज़िले में रेट आलू के अच्छे मिल रहे हैं, आज भी अच्छे मिल रहे हैं, कल भी अच्छे मिले थे, लेकिन बीच में 15-20 दिन का रेट ऐसा था कि वहाँ पर भी 550 तक आलू पहुँच गया था, उससे नीचे नहीं गया था। ओवरऑल हर एक ज़िले में इन किसान व्यापारियों का और कोल्ड स्टोर मालिकों का सिंडिकेट होता है, और उसी की वजह से, क्योंकि ये पत्ती वाला सिस्टम खेलते हैं, घाटे से पत्तियां उठाते हैं, तो उसकी भरपाई अपनी जेब से ना करके किसान भाइयों आपके आलू से ही करते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा। बदायूं में 68% ही कोल्ड भरे गए थे, 28% की निकासी हो चुकी है। फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर ज़िले में 65% आलू की 65% ही कोल्ड भरे गए थे, 40% आलू की निकासी हो चुकी है। वाराणसी में 76% ही कोल्ड भरे गए थे, 39% की निकासी हो चुकी है। बाराबंकी में 68% ही कोल्ड भरे गए थे, 33% की निकासी हो चुकी है। कानपुर की बात कर लेते हैं तो 78% कोल्ड भरे गए थे, 42% की निकासी हो चुकी है। फिरोजाबाद में 75% कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे, 44% की निकासी हो चुकी है। एटा में 80% कोल्ड स्टोरेज भरे थे, 41% की निकासी हो चुकी है। फरुखाबाद में कुल 80% कोल्ड भरे गए थे, 100 पूरे भी नहीं भरा गया कोई कोल्ड, 80% ही कोल्ड भरे गए थे फरुखाबाद ज़िले में, और 35-36% की यहाँ निकासी हो चुकी है। मैनपुरी में 76% ही कोल्ड भरे गए थे, 30% की निकासी यहाँ हो चुकी है। मथुरा में ओवरऑल 66% ही कोल्ड भरे गए थे, 29% की निकासी यहाँ हो चुकी है। अलीगढ़ में 68% की कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे, 34% की निकासी हो चुकी है। आगरा में 70% कोल्ड भरे गए थे, 40% की निकासी हो चुकी है। हाथरस में 65% ही कोल्ड भरे गए थे और 32% की निकासी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं आपके मंडी भाव की। आज जो है आपके आज़ादपुर मंडी में जो आलू है 37-97 रुपए किलो तक बिका है, चिप्सोना 14 रुपए किलो तक बिका है, LR गुजरात का आलू 13 रुपए किलो तक, इंदौर का आलू कल 12 था आज 11 रुपए, यानी 1 रुपए किलो का यहाँ अंतर आ गया, ये गिर गया है। LR पंजाब का यहाँ 11 रुपए किलो 1 रुपए चढ़ गया है, कल 10 रुपए किलो था। हल्द्वानी आलू यहाँ 22 रुपए किलो बिका है, कल के रेट भी बिका है। सूर्य आलू पे यहाँ पर उछाल मिला है, यानी कि 15.5 रुपए किलो बिका है। अब बात कर लेते हैं फरुखाबाद की। फरुखाबाद में आज जो है रेटों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, कल जो 750 का रेट था आज वो 745 रुपये का रेट रहा है ख्याति का। न्यू हॉलैंड जो है बढ़ा है, कल 1150 रुपये बिका था, आज 1175 यानी 25 रुपये बढ़ा है। पोखराज यहाँ पर गिरा है, यहाँ 30 रुपये गिरा है, कल यहाँ 800 रुपये बिका था, आज यहाँ 770 रुपये बिका है। 37-97 यहाँ बढ़ा है फरुखाबाद की मंडी में आज, कल यहाँ 950 रुपये क्विंटल बिका था, आज 975 यानी 25 रुपये का अंतर यहाँ है। चिप्सोना जो है कल 1000 रुपये क्विंटल बिका था, वो आज यहाँ 1050 यानी 50 रुपये का अंतर आया है। और अब बात कर लेते हैं पुणे की मंडी की। तो पुणे की मंडी में आगरा का आलू जो है 14 रुपये किलो है, इंदौर का आलू 13 रुपये किलो है, गुजरात का आलू जो है 9 रुपये किलो है। बांदीपाले की मंडी की बात कर लेते हैं तो आगरा का आलू 15 रुपये किलो, हसन का आलू 3 रुपये किलो, गुजरात का आलू 11 रुपये किलो। ये थे आपके वो वाशी मंडी। मुंबई की बात कर लेते हैं, पुखराज यहाँ 8 रुपये किलो है, लोकर यहाँ 12 रुपये किलो है, बादशाह 8 रुपये किलो यानी 1 रुपये की कमी आ गई है यहाँ पर। LR जो है यहाँ पर 2 रुपये की कमी है, कल 10 बिका था आज 8 बिका है। ज्योति जो है कल MP का 11 था आज 9 रुपये किलो बिका है। लाल आलू जो है कल 5 रुपये किलो था, आज 7 रुपये किलो हुआ है। लोकर जो MP का आता है वो कल 13 मिला था, आज 11 रुपये किलो, यानी कि ये मंडी के रेट थे। और अब मैं आपको बता दूं आज जो मंडियों में आवक हुई है वो हुई है 1200 टन की हरदोई में, 130 टन की फरुखाबाद में, 765 टन की बाराबंकी में, और आपके जो पलवल की मंडी है यहाँ 170 टन आलू की आवक आज देखने को मिली है। तो ये आपके सामने थे सारे रेट, और कुछ पश्चिम बंगाल से भी जुड़ जाते हैं तो पश्चिम बंगाल से भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में आज कल का रेट 2000 रुपये प्रति क्विंटल था, आज 2100 रुपये क्विंटल बिका है। ये करसियांग की मंडी में तो 100 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ हुई है। सिलीगुड़ी की मंडी में 1250 बिका है, कल 1200 था आज 1250 बिका है, 50 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ है। नादिया की मंडी में 1050 रुपये कल रहा था, आज 1000 रुपये बिकाए यानी 50 रुपये की कमी, आज यहाँ 50 रुपये टूटे हैं। बेलडागा की मंडी में कल 535 बिका था, आज 530 यानी 5 रुपये टूटे हैं। बालूरघाट की मंडी में कल 450 बिका था, आज 460 बिकाए, तो आप खुद देख लीजिए 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दुर्गापुर में कल 510 का बिका था, आज 530 का बिकाए, 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अंग्रेजी बाज़ार में कल 535 का बिका था, आज 560 का बिकाए, काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं गुजरात में। गुजरात के दाहोद में 450 रुपये का रेट रहा था कल, आज 455 का यानी 5 रुपये बढ़ा है। आणंद में
कल 900 रुपये कुंटल बिका था, आज 950 रुपये कुंटल बिका है, 50 रुपये की बढ़ोतरी है। सूरत में कल 450 रुपये कट्टा बिका था, आज 440 रुपये कट्टा बिका है, यहाँ 10 रुपये गिरे हैं। वर्धमान की मंडी में कल 450 बिका था, आज 455 बिका है, यानी 5 रुपये बढ़े हैं। राजकोट की मंडी में कल 325 रुपये बढ़ा था बिका था, आज 340 रुपये बिका है। तो ये आपके से रेट थे। अब एमपी की बात कर लेते हैं, तो एमपी के गुना की मंडी में कल 500 बिका था, आज 510 है। देवास की मंडी में कल 700 रुपये कट्टा बिका था, आज 600 रुपये कट्टा, यानी 100 रुपये लुढ़क गए। हाटीपल्लिया की मंडी में कल 600 बिका था, आज 650 50 रुपये बढ़े हैं। इंदौर की मंडी में कल 700 रुपये कुंटल बिका था, आज 600 रुपये कुंटल बिका, यानी 100 रुपये इंदौर की मंडी में लुढ़ गए हैं। शिवपुरी की मंडी में कल 500 रुपये कट्टा बिका था, और आज जो है 580 रुपये कट्टा बिका, यानी यहाँ 80 रुपये का उछाल है। तो किसान भाइयों, ये थे आपके साथ में एनालिसिस। और मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से आप लोगों का हवा बनाया जा रहा है कि निकासी नहीं हो रही है, निकासी नहीं हो रही है, तो ये इतना टन में आलू जा कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है? मेरा सवाल आप लोगों से ये है किसान भाइयों, कि जो आलू ये किसान कोल्ड स्टोर मालिक आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, व्यापारी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बन रहे हैं। तो किसान भाइयों, मेरी बात समझिए कि जब आलू जो है निकासी नहीं हो रही है कोल्ड स्टोरेजों में से, फिर आलू जा कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है? क्या चीन ने यहाँ पर आलू छोड़ दिया है? कहाँ से आ रहा है? गुजरात के नाम पर डराने लगे, गुजरात में अच्छी निकासी चल रही है। पश्चिम बंगाल के नाम पर डराने लगे, पश्चिम बंगाल में भी अच्छी निकासी चल रही है। पंजाब को तो छोड़ ही दीजिए, पंजाब का आलू जो है बीज के काम में आता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हसन का आलू के नाम पर डराया था, हसन का स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है किसान भाई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा है तो आप उसका साथ दीजिए, और आपके परस्पर वीडियो को शेयर किया कीजिए। और मैं आपको बता दूँ, आप हर बार ये पूछते हैं सोनू भाई आलू की गारंटी क्यों लेते हैं, तो मैं गारंटी यूँ लेता हूँ कि मेरे पास में पूरा डाटा रहता है, और पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने वही डाटा से बिल्कुल वही चीज़ लाता हूँ जो एक्यूरेट मार्केट में होने वाली है। मैं वो नहीं लाता प्रेजेंट वाली कि ये चल रहा है भैया, ये निकालो। भैया मेरी सीधी सी बात है, आपका आलू है, किसी की बातों में झांसों में आकर अपने आलू की फसल को बर्बाद ना करें। दूसरी बात आपकी, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका आलू दागी है, क्वालिटी गिरी हुई है, तो आप सोच सकते हैं, अगर आपका आलू क्वालिटी बढ़िया है, ग्रेडिंग बढ़िया है, तो आपके आलू को 800 रुपये कट्टा बेचने से कोई नहीं रोक सकता, ये बिकेगा। अगर आपको खुद ले जाना है तो आप 900 रुपये कट्टा भी बेच सकते हैं, अभी भी वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करने पड़ेगा। अगस्त का महीना कल से शुरू होने वाला है, और आपको अगस्त में ही 800 के रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सी मंडियों में कहाँ चल रहे हैं 800 के रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको ये भी तो एनालिसिस मिल जाएगा कि कोल्ड स्टोरेज में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और कुछ कोल्ड स्टोरेज वाले तो अब दलालों को मारपीट करके भगाने भी लग जाएंगे, ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। और कुछ कोल्ड स्टोरेज वाले तो अब लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं, सोनू भाई ये क्यों कर रहे हैं, भैया मैं कोई किसानों के साथ हूँ, आप व्यापारियों के साथ बने रहो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। केवल ये है कि आप अगर किसानों का साथ दे रहे हैं, तो किसानों का आलू जो है अच्छे रेट पर बिकवाइए। ये नहीं है कि आलू जो है कि व्यापारी आया, अरे मैं ना ले रहा हूँ आलू है, जो तो आलू ऐसा है, और वही आलू मंडी में जाके 650 को बिक रहा है। किसान भाई सुनो, जो आलू यांटिया आपको दिखाया है, सैंपल आपके सामने खोल के दिखाया, अरे मैं ना ले रहा आलू है, रेट लग रहे हैं 530 540 550, मैं ना ले रहा हूँ, और क्यों तो 450, और बाकी बाद में क्या होता है मंडी में वही आलू जाके 650 बिक जाता है, 700 बिक जाता है, वही आलू है तो जयपुर की मंडी में है तो 650 रुपये कट्टा, 600 रुपये कट्टा बिक जाता है, आजादपुर की मंडी में 700 रुपये कट्टा बिक जाता है। ये आज 31 तारीख के रेट हैं, मैं आपको पुराने रेट नहीं बता रहा हूँ। क्या कोई यूँ कहे कि 700 के कहाँ चल रहे हैं, 650 के कहाँ चल रहे हैं? चैलेंज है, मुँह पे मूछ नहीं है, मूछ कटा दूंगा मैं अपनी, क्योंकि आलू जो है 700 रुपये कट्टा बिका है आज आजादपुर की मंडी में, 13 रुपये किलो जयपुर की मंडी में आलू बिका है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं ना, उससे कई गुना तो मैं सोच के जेब में रख देता हूँ। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आलू आपका है, पैसा आपको कमाना है, तो अच्छी तरह कमाना यार, क्या धोबी घाट की तरह कमा रहे हो यार? पैसा कमाना है ना, इज्जत के साथ कमाओ, इसे ऐसे मत कमाओ, अरे ले जाओ तुम मेरे आलू है, अरे तुम ही ले जाओ। भैया ऐसी मत करो, ठोक के कहो 800 लेगो कि ना लेगो, बस एक बात अपना लो, 800 लेगो कि ना लेगो, तो उसकी मजबूरी बनेगी, लेगा, क्योंकि उसकी आप जब तक अकड़ नहीं दिखाएंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तो आपका सब कोई नीचे असम्मान करेगा, अरे ये ऐसा है ऐसा। एक बार अगर आपने ताकत दिखा दी अपनी, क्या किसानों में कितनी ताकत होती है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, कोई भी व्यापारी आपका शोषण करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर बीच रास्ते में भी मिलेगा ना, तो ये कहेगा चौधरी साहब प्रणाम, नमस्ते करेगा, पैर भी छुएगा आपके। लेकिन अपने माइंड से काम लीजिए, शक्ति से काम लीजिए, आलू बिकेगा तो 800 ही बिकेगा, लेना है ले, नहीं तो निकल ले, हम इससे बढ़िया तुझे देखने से बढ़िया फेंकना ही मंजूर करेंगे। धमकी देना शुरू करो इन्हें, वो कर दीजिए, धमकी दो, धमकी सीधे कि हमारा आलू चाहे फेंक जाए, लेकिन तुझे नहीं देंगे आराम आराम के चक्कर में। हमें पता है कि आलू जो मंडियों में क्या रेट बिक रहा है। ये बातें आप करना सीखिए किसान भाइयों,
तब तो आप मजबूती के साथ आलू के रेट ले पाएंगे, अन्यथा यही होगा 450 मंडी में तो कोई रेट ही ना ले रहो जाके जाको जो जिनाए रहो वो वही आलू उठ के भेजो माटिया पहुँचो माटिया 700 रुपया में, 500 रुपया कोल्ड स्टोर वाले मिल गए कमीशन के, 50 रुपया भाड़ो चलो वो एक कट्टा पे, बाकी जिम में चले गए और आराम दे कह रहे हैं भैया अब ना है रो कछू। तो किसान भाई सोचो समझो उसके बाद ही अपना फैसला लो। कोल्ड स्टोर में जाके प्रेशर बनाया जाता है, मुझे पता है कि बेच रहे हो कि ना बेच रहे, कतई मत बेचो, धुआं धुआं पकड़ दो धुआं, हर एक ग्रुप में हर एक फेसबुक पे अगर चलना चाहिए तो सादात केसरी चलना चाहिए, क्योंकि वही चैनल है जो आपके साथ परस्पर खड़ा है और आपके साथ तन मन धन से जुटा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, एक कर रहा है आपके लिए, केवल आप लोगों का आलू जो है 800 रुपये कट्टा बिक जाए। उसमें आप सहयोग कीजिए, वीडियो को परस्पर शेयर कीजिए, सभी लोगों के पास शेयर कीजिए और दमदारी से व्यापारियों का मुकाबला कीजिए, इनको नष्ट तोड़ दीजिए इनकी। और मैं वादा करता हूँ आपका आलू जो है 800 नहीं 1000 ही बिकेगा। अगर आपने अपनी अंतर शक्ति से ये कह दिया कि हम 800 ही बिकेंगे जिस दिन, उस दिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके ज़्यादा शक्तिशाली इस क्षेत्र में आलू के क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे। एक बार हिम्मत करके तो देखिए, एक बार मुँह से शब्द निकाल के देखिए, आलू लेना है तो 800 ले, अगर नहीं ले रहा है तो निकल यहाँ से, हम फेंक देंगे लेकिन 800 ही बेचेंगे, पर तुझे नहीं देंगे, अगर 800 चाहिए तो ले। ऐसी शक्ति बनाइए किसान भाइयों, ताकि हमें कुछ मजबूती मिले कि हाँ हमारा वीडियो बनाने का मतलब सार्थक हो रहा है, अब किसान जो है एकजुट हो गए और अपने आलू का अच्छा रेट लेना चाहते हैं। तो किसान भाइयों अच्छा रेट लेना है कि नहीं लेना, तो परस्पर वीडियो को शेयर कीजिए और एक बार जुबान से बोलिए, अपने मुँह से शब्द निकालिए, लेना है तो 800 ही ले, नहीं तो निकल, हम फेंक देंगे लेकिन तुझे को 400 रुपये में 500 रुपये में नहीं देंगे। ये बात अपने दिल में निश्चय कर लो, हृदय में बांध लो, अगर बेचना है तो 800 ही बेचेंगे, अन्यथा फेंकना मंजूर है हमें। तो इस तरीके से इनका सिंडिकेट तोड़ना है। और भाई एक बात और है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसे हिट करें ऑल पे। और देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं मोटिवेशन के तौर पे, हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का, सिर्फ एक लाइक तो बनता है।